जय दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर जितने पोको M3 एंड Redmi नेट बाउड यूजर है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम लिख दे दूंगा, जिसको Redmi 9 पावर वाला वीडियो देखना है वो Redmi 9 पावर पे स्किप कर जाएगा और जिसको पोको M3 वाला देखना है वो पोको M3 वाला पे स्किप कर जाएगा। तो वीडियो को आप लोग इस तरह जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग यहाँ पर लाइक करना भूल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर और भी न्यू ऐसे अपडेट्स खाते। तो चलिए आज के वीडियो में तरीके से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पोको M3 यूजर मैं उन सभी बता दूँ, सभी के लिए जो अपडेट है यहाँ पर लगभग 4-5 दिन पहले रोल आउट हुआ था और इसके रिगार्डिंग मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था और वीडियो बनाकर भी बताया था। और यहाँ पर आपसे बता दूँ, जितने पोको M3 यूजर है ना, उन सभी के लिए जो अपडेट है यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। सिर्फ मी पैलेट्स के लिए यहाँ पर रोल आउट हुआ था, जिसका बिल्ड नंबर था MIUI 12.5.1.0, और यही सेम बिल्ड नंबर आप सभी को भी देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग बिल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, बिल्ड नंबर है वो आपको यही देखने को मिलेगा, 1.0 लास्ट में होगा। साथ में यहाँ पर RJQ INXM यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। साथ में एक और चीज बता दूं, अपडेट का साइज 2.6 GB का देखने को मिल जाता है, 2.6 GB का ये अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिला है और इतना ही हमने एक्सपेक्ट किया था और आपको बताया था कि यहीं तक आपको अपडेट साइज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फाइनली 2.6 GB का अपडेट साइज यहाँ पर रिलीज हुआ है। अब आप सभी को पता है कि इतना डाटा पैक आप सभी का लगेगा, तो कम से कम यहाँ पर एटलीस्ट आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पर कम से कम 3 GB डाटा पैक होना चाहिए, क्योंकि जितना अपडेट साइज रहता है ना, कभी भी उतना यहाँ पर डाटा खर्च नहीं हो पाता है, लगभग यहाँ पर 400-300 भी फालतू ही खर्च होता है। इसलिए आपको कह रहा हूँ आपके डिवाइस में कम से कम 3 GB डाटा पैक होना चाहिए, तब जाके आप लोग इसको अपडेट कर पाओगे। और अगर आप लोग इसे पॉज कर करके अपडेट करोगे ना, तो पहले बता दे रहा हूँ आपके डिवाइस में यहाँ पर बग आ जाएंगे। पहले आपको यहाँ पर मैं वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पर कम से कम आपके डिवाइस में 3 GB डाटा हो तभी आप लोग इसको अपडेट करना। और एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा कब तक देखने को मिल सकता है, तो MIUI 12.5.1.0 वाला जो अपडेट है वो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। और यहाँ पर कई लोग पूछ रहा था क्या इनहेंस अपडेट है, तो ये भी कंफर्म कर दो, ये इनहेंस अपडेट ही यहाँ पर रिलीज करा गया। जब आप लोग अपडेट कर लोगे आपके डिवाइस में यहाँ पर इनहेंस शो कर देगा। अब कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर क्या बैटरी परफॉर्मेंस वाला फीचर देखने को मिला है, तो हाँ यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस वाला फीचर देखने को जरूर मिला है पोको M3 यूजर्स के लिए। कैसे आप लोग यहाँ पर इनेबल कर सकते हो जिनको अपडेट मिला, तो सिंपल सा बस तरीका है, सेटिंग के अंदर जाके, ऐप इन्फो के अंदर जाके बैटरी एंड परफॉर्मेंस को सर्च मार रहा हूं, उसको क्लियर डाटा कर देना है। दूसरा चीज, यहां पर जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसका आप लोग क्लियर डाटा कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट करके यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर 2-3 तरीके अपनाने से आपके डिवाइस के अंदर यहां पर जो परफॉर्मेंस वाला मोड है वो दिखा देगा, और इसके बावजूद भी दिखाता नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं यहां पर वेट कर लो। यहां पर ग्लोबर वाला जो एपीके सेटिंग एप्लीकेशन है वो कुछ टाइम में आ जाएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक चीज मैं आप लोग यहाँ पर समझा दूं, जितने पोको M3 यूजर की पब्लिक रोल आउट कब होगा, उससे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पर अपडेट रिलीज होगा ना, वो एनी टाइम यहाँ पर आपके डिवाइस के अंदर आ सकता है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कई बार नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आप अपने डिवाइस को चेकआउट करते रहे, यहाँ पर जो अपडेट है ना वो कभी भी एनी टाइम आपके डिवाइस में यहाँ पर शो हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर कन्फर्म वीक या कन्फर्म डेट नहीं बताने वालों की कभी यहाँ पर अपडेट देखने को मिले। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी किसी भी फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर जो स्मार्टफोन तैयार करते हैं ना, वो चीज के अंदर तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि ये जो जैसे मान लीजिए बेल्ट है ना, इस बेल्ट के ऊपर यहाँ पर 10 स्मार्टफोन रखे हुए, ये जो 10 स्मार्टफोन है ना ये फर्स्ट बैच के अंदर आ गए, तो इस बैच के अंदर जिन लोगों के पास जो स्मार्टफोन है उनके अंदर यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है। ये तरीका होता है दोस्तों यहाँ पर अपडेट करने का, सिर्फ ये शाओमी नहीं करती है, सारे अदर जितने भी ब्रांड्स है ना उन सभी के यहाँ पर बैचेस के अंदर ही स्मार्टफोन बनते हैं और बैचेस के अंदर ही यहाँ पर अपडेट्स रोल आउट होते हैं। और यहाँ पर जो अपडेट है वो कभी भी आपके लिए यहाँ पर रिलीज हो सकता है इंडिया के अंदर। और एक चीज बता दूं, पोको M3 के लिए आज रशिया के अंदर और ताइवान और टर्की के अंदर दोबारा से यहाँ पर रोल आउट स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो अपडेट है किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर स्टेबल अपडेट है और आप सभी को भी बहुत जल्दी आपके डिवाइस में अपडेट देखने को मिल जाएगा। और मेरे मुताबिक आप सभी को अपडेट कब देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लोग जनवरी एंड तक अपडेट कर लो, आपके डिवाइस में जरूर यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाए। अब आपका फर्ज बनेगा कि आप अपने डिवाइस में चेकआउट करते रहो, क्योंकि सारों का डिवाइस तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर, आप अपने डिवाइस में चेक करो, आपके डिवाइस में कभी भी यहाँ पर अपडेट शो हो सकता है और कभी भी आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे, तो अपडेट आएगी, जैसे आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी। और बाकी आप लोग अगर आपके डिवाइस में अपडेट आ भी जाते तो आप लोग हमारे चैट सपोर्ट वाले ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों हम बढ़ते अपने Redmi 9 पावर डिवाइस, तो यहाँ पर जितने भी Redmi 9 पावर यूजर है मैं उन सभी बता दूं, उन सभी के लिए जो अपडेट रिलीज होता है दिसंबर के मंथ में मिला था, और काफी ज्यादा यहाँ पर अपडेट डिले हो चुका है, काफी बहुत ज्यादा यहाँ पर अपडेट डिले हो चुका है Redmi 9 पावर यूजर्स के लिए। पहले जिनके डिवाइस में 12.0.10.0 चला था उनके डिवाइस में यहाँ पर अपडेट दिसंबर के एंड में भी रोल आउट हुए थे। और मैंने आपसे यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी आज से कुछ देर पहले, जो हमारी वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपसे बताया था कि Xiaomi की जो कॉल रिकॉर्डिंग है Redmi 9 पावर से रिलेटेड आपको मैंने सुनाया, उसमें उनका यही कहना है कि इंडिया में अपडेट आ चुका है और सर यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर लीजिए, यहाँ पर जो अपडेट है वो बैचेस के अंदर रिलीज हो रहे हैं, जिनके डिवाइसेज यहाँ पर जिस बैच के अंदर तैयार हुए उस बैच के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब Redmi 9 Power यूजर एक बात है, आप लोग समझ लीजिए आपके डिवाइस में कब देखने को मिल सकता है। तो बैचेस का मतलब अगर आप लोग नहीं समझे तो समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड होता है ना, सबकी जो स्मार्टफोन है ना वो एक बैच के अंदर तैयार होती है, यानी फैक्ट्री के अंदर इसके अंदर तैयार होती है ना। उस मान लीजिए ये फैक्ट्री के अंदर इस बेल्ट के ऊपर यहाँ पर ना 10 स्मार्टफोन रखे हुए, 10 स्मार्टफोन में से अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है और उस बैच के यहाँ पर अपडेट रिलीज हुआ है ना, तो वहां पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा पब्लिक रोल आउट के अंदर, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर काफी सारे बैचेस में स्मार्टफोन होते हैं, मैं तो आपको एग्जांपल के तौर पर सिर्फ 10 बता रहा हूँ, एक बैच के अंदर 10 स्मार्टफोन, बल्कि वहां पर फैक्ट्री में एक बैच के अंदर लगभग 100-150 स्मार्टफोन होते हैं। और उस पूरे लाइनअप के अंदर जो भी बैचेस वहां पर नाम दिए थे कि फर्स्ट बैच में 150 फोन है, जो सेकंड बैच है उसमें भी 150 फोन है, ऐसे बैचेस तैयार होते हैं, ऐसे फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है स्मार्टफोन का, उस हिसाब से यहाँ पर अपडेट देखने को मिलता है। अब मुझे तो नहीं पता कि आपका डिवाइस कौन से बैच में तैयार हुआ, और इवन जो मैं भी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मेरे को खुद के डिवाइस के बारे में नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा डिवाइस जो मेरा डिवाइस है कौन से बैच में तैयार हुआ है। यहाँ पर जो पब्लिक रोल आउट है ना वो यहाँ पर जब मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी बाकी सारे यूजर्स के डिवाइस में शो हो जाता है और अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग अंदर उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप जनवरी एंड तक का वेट कर लो, आपके डिवाइस में अपडेट शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने डिवाइस को चेकआउट करते रहे रेगुलरली, और आप लोग यहाँ पर बार बार कमेंट ना करिए कि हमारे डिवाइस में कब अपडेट देखने को मिलेगा। अब आपके पास डिवाइस है, आपके डिवाइस में कभी भी आ सकता है, वो तो मैं तो नहीं बता सकता हूँ ना कब अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब अपडेट रिलीज होगा ना यहाँ पर पब्लिक रोल आउट में सारे यूजर्स को एक साथ ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर बैचेस के अंदर ही रिलीज होगा। और यहाँ पर धीरे धीरे अपडेट्स रोल आउट हो रहे हैं, कंपनी वालों ने भी यही कहा है कि यहाँ पर हम बैचेस के अंदर अपडेट रिलीज कर रहे हैं और आपके डिवाइस में जल्दी यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, यहाँ पर आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, अपने डिवाइस में कभी भी यहाँ पर अपडेट शो हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर या यहाँ पर वीडियो बनाकर बताई दिया करूंगा, बाकी आप लोग चैट सपोर्ट के अंदर जुड़ के यहाँ पर अगर आपके डिवाइस में अपडेट आता है तो वहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, इससे बाकी यूजर्स की हेल्प हो सकती है। तो इतना ही दोस्तों आज के इस वीडियो में, जितने भी Redmi 9 Power यूजर्स थे और Poco M3 यूजर्स थे, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो, आपके डिवाइस में जल्दी यहाँ पर अपडेट रिलीज हो जाएगा जनवरी एंड होने तो उससे पहले पहले आपके डिवाइस में अपडेट हो जाएगा। अब तो यहाँ पर अपडेट इंडिया में रिलीज हो चुका है, आपको मैंने इतना बताना था कि अपडेट कब आएगा, अपडेट आ चुका है यहाँ पर। अब इंडिया में ही अपडेट रिलीज होने के बाद जिस जिसके डिवाइस की बारी आती रहेगी उनके डिवाइस में यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा, वो आप लोग की जिम्मेदारी, अपने डिवाइस में यहाँ पर चेकआउट करते रहो, आपके डिवाइस में कभी भी यहाँ पर अपडेट शो हो सकता है। और जब अपडेट शो होगा तो आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर ही लोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे अपडेट आएगा आपको यहाँ पर और भी वीडियोस मिल जाएगी MIUI से रिलेटेड। वैसे भी चैनल के ऊपर आपको यहाँ पर आपके डिवाइस से रिलेटेड यहाँ पर Android 12 भी मिलने वाला और MIUI 13 मिलेगा आपके Redmi 9 Power के अंदर और Poco M3 के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे वीडियोस खातिर भी आपको हम यहाँ पर अपडेट्स और भी आने वाले Redmi 9 Power और Poco M3 उसके बारे में आप सभी को बताते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियोस का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।